हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम मार्कंडेय मिश्रा। टुडे आई विल टीच यू द सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस, फूड हैबिट्स एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड, विच मीन्स खाने की आदतें और भोजन का सुरक्षित रखरखाव। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड हैबिट्स के आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, मीन्स जानवरों का वर्गीकरण उनकी खाद्य आदतों के आधार पर। फूड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भोजन जो कि भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। प्रॉपर वेज ऑफ कुकिंग फूड, भोजन पकाने का सही तरीका। सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड, और भोजन का सुरक्षित रखरखाव। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जानवरों के खाने के आधार पर उनका वर्गीकरण, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भोजन का अध्ययन, पकाने के सही तरीके और भोजन के सुरक्षित रखरखाव के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ गिवन दैट जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, एनिमल्स टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ठीक उसी तरह जैसे हम एक ही प्रकार का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, जानवर भी अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, अलग अलग जानवरों के पास अलग अलग भोजन करने की आदतें होती हैं। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। पिछले चैप्टर में हमने ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा है, मीन्स स्वपोषी एवं परपोषी के बारे में पढ़ा है। ऑटोट्रॉफ्स कैन मेक देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ्स अपने स्वयं का भोजन बना सकते हैं। हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स, जबकि हेटरोट्रॉफ्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स, भोजन करने के आदतों के आधार पर एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, जानवरों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। द हेडिंग इज गिवेन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, भोजन के ग्रहण करने के तरीकों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। हियर यू कैन सी द इमेजेज ऑफ काउ एंड लायन। काउ इज हर्बीवोर्स, व्हाइल लायन इज कार्निवोर्स। मीन्स यहाँ आप गाय और शेर के इमेज को देखते हैं, जिसमें गायें शाकाहारी और शेर मांसाहारी है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ओमनिवोर्स। नेक्स्ट पिक्चर इज ओमनिवोर्स पिक्चर। अगली पिक्चर ओमनिवोर्स की है, सर्वाहारी की है, जो जंतु और पौधों दोनों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। द हेडिंग इज गिवेन हर्बीवोर्स, मीन्स शाकाहारी। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द प्लांट आर प्लांट प्रोडक्ट्स ओनली कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे जंतु जो पौधे या पौधों के उत्पाद पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। फॉर दिस पर्पज दे हैव शार्प टीथ इन फ्रंट, इस उद्देश्य से उनके पास सामने की तरफ तेज दांत होते हैं, सो दैट दे कैन कट लीव्स, ताकि वे पत्तियों को काट सकें। दे हैव फ्लैट एंड ग्रीडिंग टीथ्स एट द ब्रैक, उनके पास चपटे और पीसने वाले दांत पीछे की तरफ होते हैं, ताकि दे कैन ग्रिंड द फूड, वे भोजन को चबा सकें या पीस सकें। फॉर एग्जाम्पल काउज, बफेलोज, डियर, कैमल, स्क्वायरल, जिराफ एक्सेट्रा ईट ग्रासेज, लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स ऑफ द प्लांट्स। उदाहरण के लिए गायें, भैंसें, हिरन, ऊंट, गिलहरी, जिराफ, ये सभी हैं जो घास खाते हैं, पत्तियां, फल, सब्जियां और दानों को पौधों से खाते हैं। इन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आल्सो फीड ऑन द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स, सच एज बीज, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। कुछ कीट पतंगे भी हैं जो पत्तियों और पौधों के फूलों को खाते हैं, जैसे बीज, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स।
Here you can see the image. Silk producing silkworms feed on mulberry leaves. सिल्क को उत्पन्न करने वाला कीट मलबेरी लीव्स को खा रहा है. द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवेन कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं के मांस पर निर्भर रहते हैं या मांस को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है. दे किल अदर एनिमल्स वे दूसरे जानवरों को मार डालते हैं. एंड ईट देयर फ्लेश एज फूड और उनके ताजे मांस को अपने भोजन के रूप में खाते हैं. दे हैव शार्प लॉन्ग टीथ उनके पास तेज लंबे दांत होते हैं. विच हेल्प इन टीयरिंग द फ्लेश जो कि मांस को चीरने में मदद करते हैं. कार्निवोर्स बर्ड्स हैव शार्प एंड लॉन्ग बेक फॉर दिस पर्पज मांसाहारी चिड़ियों के पास तेज और लंबी चोंच इसी उद्देश्य के लिए होती है. लायन टाइगर फॉक्स फ्रॉग वुल्फ लिजार्ड स्नेक शार्क एक्सेट्रा कार्निवोर्स. लायन मींस शेर चीता लोमड़ी मेढक वुल्फ वुल्फ मींस भेड़िया लिजार्ड छिपकली स्नेक सांप एंड शार्क एक मछली है. आर कार्निवोर्स ये मांसाहारी हैं. दे ईट हर्बीवोर्स एज वेल एज स्मॉल कार्निवोर्स वे सामान्यतः शाकाहारी और कुछ छोटे छोटे मांसाहारियों को खाते हैं. द नेक्स्ट एडिंग इज ओमनिवोर्स मीन्स सर्वाहारी. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधों और दूसरे जंतुओं को खाते हैं. दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैन डॉग कैट एंड स्पैरो को उदाहरण के लिए हम मनुष्य डॉग कुत्ता बिल्ली चींटी गिलहरी कौआ ईटीसी. ए बियर लाइक्स टू ईट हनी एज वेल एज फिशेज. इसमें भालू एक ऐसा जंतु होता है जो शहद और उसके साथ साथ मछलियों को खाना पसंद करता है. द नेक्स्ट हेडिंग इज पैरासाइट्स मीन्स परजीवी. ए नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिम्स डेराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिम्स. कुछ छोटे छोटे जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं के शरीर पर निर्भर रहते हैं. दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स इन्हें परजीवी कहा जाता है. सम कॉमन पैरासाइट्स आर राउंड वार्म्स टेप वार्म्स मलेरियल पैरासाइट्स. इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनमें राउंड वार्म है टेप वार्म है और मलेरियल पैरासाइट्स है जिसको आप गोल कृमि फीता कृमि और मलेरियल पैरासाइट कहते हैं. सामान्यतः आपको जान लेना चाहिए कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम नामक वाहक के कारण होती है. नेक्स्ट इज गिवेन ए नंबर ऑफ पैरासाइट्स रिसाइड इनसाइड आवर बॉडी. कुछ पैरासाइट्स हमारे शरीर के अंदर रहते हैं बट सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल. इनमें से कुछ हमारे लिए लाभकारी होते हैं. वाइल सम ऑफ देम काज डिजीजेस लेकिन इनमें से कुछ रोग उत्पन्न करते हैं. ऑल द पैरासाइट्स आर कैरियर्स ऑफ वेरियस डिजीजेस. सभी पैरासाइट्स विभिन्न प्रकार के रोगों के वाहक होते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द बॉडी ऑफ हॉस्ट एनिमल्स. और वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं उत्तरदायी होते हैं माल फंक्शनिंग द बॉडीज ऑफ द हॉस्ट एनिमल्स. जो जंतु इन्हें अपने पास रखते हैं उनके शरीर में रोग उत्पन्न करने के लिए. द नेक्स्ट हेडिंग इज सैक्रिफाइट्स दैट मीन्स मृतोपजीवी. द ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर न्यूट्रिशन बाई फीडिंग ऑन द डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर्स आर कॉल्ड सैक्रिफाइट्स. ऐसे जंतु जो मरे हुए और सड़े हुए जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करके अपना पोषण करते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया मशरूम्स एंड ईस्ट. उदाहरण के लिए बैक्टीरिया कुकुरमुत्ता और ईस्ट. हियर यू कैन सी द इमेज राउंड वार्म टेप वार्म एंड मशरूम. राउंड वार्म एंड टेप वार्म एंड मशरूम का इमेज यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं. द नेक्स्ट इज एक्टिविटी. यू स्टूडेंट्स यू विल हैव टू डू द एक्टिविटी कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स.
विभिन्न प्रकार के हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स के बॉडी के पिक्चर्स को कलेक्ट करिए, पेस्ट देम ऑन चार्ट पेपर और उसे चार्ट पेपर पर चिपकाइए एंड राइट हाउ डू दीज पार्ट्स हेल्प देम टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, और यह लिखिए कि ये अंग कैसे उनकी भोजन को ग्रहण करने में मदद करते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज स्केवेंजर्स मीन्स मृतोपजीवी। सर्टेन ओमनीवोर्स एज वेल एज कार्निवोर्स मेनली कंज्यूम द डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स को अपने भोजन के रूप में कंज्यूम करते हैं, मीन्स दूसरे मरे हुए जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। इन एनिमल्स को स्केवेंजर्स कहा जाता है, सफाई कर्मी कहा जाता है या साफ करने वाले जंतु कहा जाता है, मृतोपजीवी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रो वल्चर, उदाहरण के लिए कौआ और गिद्ध एक्सेट्रा इत्यादि। दे एक्चुअली हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, अदरवाइज अर्थ वुड बिकम ए बिग स्टोर ऑफ डेड बॉडीज। वे एक्चुअली इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, पर्यावरण को साफ करते हैं, नहीं तो यह पूरी पृथ्वी मरे हुए शरीरों का एक बड़ा स्टोर बन जाएगी, एक बड़ा संग्राहक बन जाएगी। हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ स्केवेंजर्स। द नेक्स्ट हेडिंग इज फूड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भोजन जो भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। पीपल इन आवर कंट्री ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। लोग हमारे देशों में जो रहते हैं वे अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। देयर फूड हैबिट्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। उनकी भोजन की आदतें भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। पर्सनल लाइक्स उनकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करती हैं, एंड डिसलाइक्स और उनकी नापसंद पर निर्भर करती हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन दैट एरिया, और उस क्षेत्र में जिस प्रकार के भोजन का प्रोडक्शन होता है उस पर निर्भर करती हैं। पीपल लिविंग नियर द कोस्टल एरियाज ईट फिश। ऐसे लोग जो कि समुद्री क्षेत्रों में रहते हैं वे मछलियाँ खाते हैं। वेयराइज पीपल लिविंग इन प्लेन्स ईट मीट, जबकि ऐसे लोग जो मैदानी इलाकों में रहते हैं वे मांस खाते हैं। सम पार्टिकुलर फूड आइटम्स आर पॉपुलर इन सम पार्टिकुलर रीजन्स। कुछ विशिष्ट प्रकार के भोजन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज फूड इन नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया मीन्स उत्तर क्षेत्र में खाया जाने वाला भोजन। नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया है फर्टाइल लैंड। आप जानते हैं भारत का उत्तरी क्षेत्र उपजाऊ भूमि से बना हुआ है। पीपल ग्रो डिफरेंट वराइटीज ऑफ क्रॉप्स। लोग यहाँ विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स को उगाते हैं, फसलों को उगाते हैं। हाउएवर व्हीट एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स, और यहाँ गेहूँ और चावल मुख्य फसलें हैं। पीपल इन पंजाब एंड हरियाणा ईट व्हीट एंड पल्सेस, इसीलिए पंजाब और हरियाणा के लोग गेहूँ और दालें खाते हैं। दे यूज मोर ऑयली फूड एंड यूज वराइटी ऑफ ऑयल्स बट प्रीफर घी एंड मस्टर्ड ऑयल। वे ज़्यादातर तेल युक्त भोजन ग्रहण करते हैं और विभिन्न प्रकार के तेलों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु सामान्य रूप से वे घी और सरसों के तेल को अधिक पसंद करते हैं। हरियाणा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड पल्सेज इन इंडिया। यू शुड नो दैट हरियाणा इज द स्टेट विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड पल्सेज इन इंडिया। हरियाणा भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो कि गेहूँ और दालों के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक है। द नेक्स्ट हेडिंग इज फूड इन द साउथ रीजन। हियर इट इज गिवन दैट राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ साउथर्न रीजन। चावल दक्षिणी क्षेत्र का मुख्य भोजन है। सो द पीपल इन दिस रीजन, इसलिए इस क्षेत्र के लोग ईट मोस्टली राइस, मुख्य रूप से चावल खाते हैं। एंड इट्स अदर डिशेज लाइक इडली डोसा राइस सांभर बनाना एक्सेट्रा, और दूसरी चीज़ें जो कि चावल से बनी होती हैं उनको खाते हैं, जैसे इडली है, डोसा है, राइस सांभर है और बनाना है। दे मोस्टली यूज कोकोनट ऑयल। वे ज़्यादातर कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं, नारियल के तेल का उपयोग करते हैं इन देयर कुकिंग, अपने भोजन को पकाने के लिए। एज कोकोनट इज अबंडेंस इन साउथ इंडिया, क्योंकि कोकोनट
साउथ इंडिया में पर्याप्त मात्रा में अधिक मात्रा में पाया जाता है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द सी। भारत का दक्षिणी क्षेत्र समुद्र के द्वारा घिरा हुआ है। सो फिश इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। इसलिए फिश भी उनके भोजन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक मुख्य भाग है। द नेक्स्ट हेडिंग इज फूड इन द ईस्ट रीजन, मीन्स पूर्वी क्षेत्र का भोजन। इट इज गिवन दैट बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आसाम आर आल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स सिचुएटेड इन स्टेट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसाम कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। राइस एंड व्हीट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ बिहार एंड यूपी। बिहार और उत्तर प्रदेश का मुख्य भोजन चावल और गेहूं है। सो द पीपल इन दीज टू स्टेट्स ईट राइस एज वेल एज व्हीट। इसलिए इन दो प्रदेशों के लोग गेहूं और चावल को खाते हैं। राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आसाम। चावल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसाम का मुख्य फसल है। इसलिए द पीपल इन दीज स्टेट्स लाइक ईट राइस एंड फिश। इसलिए इन देशों के या इन प्रदेशों के लोग राइस और फिश को खाना पसंद करते हैं। हियर यू कैन सी द प्लेट फुल ऑफ फिश एंड राइस। द नेक्स्ट हेडिंग इज फूड इन द वेस्ट रीजन, मीन्स पश्चिम के क्षेत्र में खाया जाने वाला भोजन। द पीपल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ईट राइस एंड फिश एज राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ दीज स्टेट्स। महाराष्ट्र और गोवा के लोग चावल और मछली मुख्य रूप से खाते हैं क्योंकि चावल इस प्रदेश का मुख्य फसल है। बिसाइड्स दे आर सिचुएटेड नियर द सी कोस्ट, और इसके अतिरिक्त ये समुद्र के तट पर स्थित हैं, समुद्र के किनारों पर स्थित हैं। देयरफॉर फिश एंड अदर सी फूड आर द स्टेपल फूड ऑफ दिस एरियाज। इसलिए मछली और चावल इन क्षेत्रों का मुख्य भोजन है। व्हीट इज द मेन क्रॉप ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। गेहूँ राजस्थान और गुजरात का मुख्य फसल है। सो द पीपल इन दीज स्टेट्स ईट व्हीट एंड इट्स प्रोडक्ट्स। इसलिए इन प्रदेशों के लोग मुख्य रूप से गेहूं और उसके उत्पादों को खाते हैं। हियर एन एक्टिविटी इज गिवेन, राइट द पॉपुलर फूड ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स, मींस लिखे हुए स्टेट्स के पॉपुलर फूड्स का नाम आपको इसके सामने ब्लैंक कॉलम में लिख देना है। द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर वेज ऑफ कुकिंग फूड, मींस भोजन बनाने के सही तरीके। इट इज़ गिवेन हियर, हीटिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग एंड बेकिंग आर द डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड। भोजन को हीट करना, बॉयल करना, फ्राई करना, रोस्ट करना और स्टीम करना, मीन्स गर्म करना, उबालना, तलना, भूनना, भाप में पकाना और पका देना आर द डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड। ये भोजन को पकाने के अलग अलग तरीके हैं। कुकिंग नॉट ओनली इम्प्रूव टेस्ट्स, कुकिंग न केवल टेस्ट को बढ़ा देती है बल्कि आल्सो मेक्स फूड इजियर टू डाइजेस्ट, या भोजन को आसानी से पचने में मदद भी कर देती है। बट इम्प्रॉपर कुकिंग में डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। लेकिन इसको सही तरीके से न पकाने पर इसमें उपस्थित न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मीन्स इसमें से उपस्थित पोषक पदार्थ समाप्त हो जाते हैं और इस खाने की खाद्य वैल्यू, खाद्य क्षमता कम हो जाती है। जस्ट डू मोर, यहाँ एक चीज़ दी गई है जिसको आपको फिलअप करना है। राइट द क्रॉप्स कॉमनली ग्रोन इन द पीपल ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स, मीन्स जिन प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, जिन स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, वहाँ के लोग कौन से क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी फसलों को उगाते हैं, यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। मीन्स वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और कर्नाटका के लोग कौन से फसल का उत्पादन करते हैं, ये आपको लिख देना है। द नेक्स्ट इज वी कैन टेक बेटर एडवांटेज ऑफ वेरियस फूड बाई फॉलोइंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस। हम फूड से और ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं यदि हम नीचे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं। Here is first instruction, cereals should be cooked in adequate amount of water, means
अनाजों को पानी की पर्याप्त मात्रा में पकाया जाना चाहिए। सेकेंड इज वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली इन रनिंग वाटर बिफोर फीलिंग और कटिंग। सब्जियों को बहते हुए पानी में छीलने या काटने से पहले अच्छे तरह से धो लेना चाहिए। किचन एंड यूटेंसिल्स आर शुड बी क्लीन। किचन और बर्तन अच्छी तरह से साफ कर लेने चाहिए। फूड शुड बी कुक्ड ऑन लो फ्लेम। भोजन को कम ताप पर कम आंच पर पकाना चाहिए। सीरियल्स एंड पल्सेस शुड बी कुक्ड इन प्रेशर कुकर। सीरियल्स और पल्सेस को प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए। अवॉइड ओवर कुकिंग, अधिक पकाने से बचना चाहिए। एज इट डिस्ट्रॉयड द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड, भोजन का सुरक्षित रख रखाव। नाउ वी नो दैट फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम जान गए हैं कि भोजन सभी जीवित प्राणियों का आधार है। अदर ऑर्गेनिम्स कैन नॉट कंजर्व फूड बट मैन कैन डू इट। दूसरे लोग अपने भोजन का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, मीन्स दूसरे जंतु अपने भोजन का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन आदमी कर सकता है। फूड इज वेरी वैल्यूएबल, भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। एंड वी मस्ट सेव इट बाई फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस, और हम इसका संरक्षण नीचे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को देख करके कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुक्ड फूड शुड बी केप्ट कवर्ड, पका हुआ भोजन ढक के रखना चाहिए। सीरियल्स एंड पल्सेस शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन कंटेनर्स। सीरियल्स और पल्सेस को, अनाजों और दालों को क्लीन कंटेनर्स में रखना चाहिए, साफ बर्तनों में रखना चाहिए। द कंटेनर्स शुड बी केप्ट एट ड्राई प्लेस, उसके बाद इन कंटेनर्स को सूखे स्थानों पर रख देना चाहिए। सेकेंड इज फूड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रोडेंट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। फूड को कुतरने वाले जंतुओं, चिड़ियों और कीट पतंगों से बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट इज वी शुड कुक फूड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल टू ईट इट। हमें भोजन को इसको खाने वाले उपलब्ध लोगों की संख्या के आधार पर ही बनाना चाहिए। वी शुड टेक एज मच फूड एज वी कैन फिनिश, हमें केवल उतना भोजन ही लेना चाहिए जितना हम समाप्त कर सकते हों, जितना हम खा सकते हों। वी शुड नॉट लीव फूड इन और प्लेट्स आफ्टर द मील, भोजन करने के बाद हमें अपने प्लेट में खाने को नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड अवॉइड ओवर ईटिंग, हमें अधिक खाने से बचना चाहिए। बिकॉज इट मे कॉज वोमिटिंग, क्योंकि इससे उल्टी आती है, या इट मे लीड टू ओबेसिटी, या इससे मोटापा बढ़ता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड लेफ्ट ओवर फूड शुड बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। हरी सब्जियों को, फलों को और जो खाना बच गया हो उसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। हियर सम इम्पॉर्टेंट न्यू वर्ड्स हैव बीन गिवेन, यू शुड नो अबाउट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कार्निवोर्स, मीन्स शाकाहारी एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स, मीन्स ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, वे हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स ओनली। सेकेंड इज कार्निवोर्स, दैट मीन्स मांसाहारी एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स, ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। ओमनीवोर्स सर्वाहारी, मीन्स एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे जंतु जो पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं। सेप्रोफाइट्स मीन्स सहभोजी ऑर्गेनिक दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, ऐसे जंतु जो मरे हुए और सड़े हुए लोगों को खाते हैं या जंतुओं को खाते हैं। पैरासाइट्स परजीवी ऑर्गेनिक्स दैट डिराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिक, जो अपने भोजन को दूसरे जंतुओं के शरीर से प्राप्त करते हैं, वे पैरासाइट्स या परजीवी कहलाते हैं। स्कैवेंजर्स मीन्स सफाईकर्मी या मृतोपजीवी ऑर्गेनिक्स दैट फीड द डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, जो ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं के मरे हुए शरीर को खाते हैं। स्टूडेंट्स दैट इज द होल सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस विच इज नेम्ड एज फूड हैबिट्स एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड, मीन्स भोजन की आदतें और भोजन का सही रखरखाव, सुरक्षित रखरखाव। स्टूडेंट्स आज मैंने आपको ये पूरा चैप्टर ऐसे ही ट्रांसलेट करके बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।